अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं लाल मस्त मजेदार चटपटा सा कीमा, मटन का कीमा। आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, मटर के साथ बढ़िया सा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आप चाहें तो रोटी या पराठे के साथ सर्व करें, लेकिन बेस्ट ये भ्रून पाव यानी कि कड़क पाव और उसके साथ बढ़िया लगता है। नहीं हो तो फिर आप रोटी या पराठे के साथ सर्व कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण इंग्रेडिएंट से, यानी कि ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए एक कढ़ाई या कुकर में थोड़ा तेल डाल दीजिए। उसमें डाल दीजिए एक तेज पत्ता, एक डंडी दालचीनी की, दो लौंग, एक हरी इलायची और दो काली मिरी। जब डाल दें और आधा छोटा का चम्मच जीरा डालकर तड़तड़ा जाने दीजिए सारे गर्म मसालों को फास्ट आंच पर। तड़तड़ा जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई डाल दें, छूंदा प्याज जिसे हम कहते हैं, डालकर फास्ट आंच पर इसे फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ज्यादा लाल नहीं करना है, हल्के ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, थोड़ा पानी डालकर इसे भून लीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती तब तक। अब जब भून लें तो इसमें डाल दीजिए धोया हुआ 250 ग्राम कीमा, मटन का कीमा है, इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बार बार चलाते रहें और फास्ट आंच पर तब तक फ्राई करें कीमे को जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता कीमे का। तब तक कलर चेंज हो जाए तो उस टाइम पे एक मीडियम साइज का टमाटर उसकी छील निकाल कर बारीक काट कर डाल दीजिए और इसे भी फास्ट आंच पर आधे एक मिनट तक भूनिए। तब तक भूनिए जब तक नम नहीं हो जाते। उसके बाद डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और मीडियम आंच पर थोड़ा सा भून लीजिए, क्योंकि हमने टमाटर डाले वो भी समय इतना कुछ ज़्यादा अच्छा भुना नहीं है। तो तकरीबन 2-3 मिनट तक ये मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए वहाँ तक भूनिए। जब कच्चापन निकल जाए और तेल छूटने लगे तो 1/4 कप जितना, ये मैंने फ्रोजन मटर लिया, आप नॉर्मल मटर भी ले सकते हो, वो डालकर एक बार चला लीजिए। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और आधा छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पीसा हुआ जीरा पाउडर डालकर सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। आधे मिनट तक इसे भी फ्राई कीजिए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं सारी चीजें भुना गई है, बढ़िया सी, चूल्हा मीडियम पर है। तो यहाँ पर मैं 1 कप जितना पानी डाल देती हूँ, आप चाहें तो 3/4 कप जितना भी डाल सकते हैं, लेकिन 3/4 कप डालेंगे तो आगे जाके आपको ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। चलिए इसका ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर 2-3 सीटी खिला लीजिए या तब तक पकाएं जब तक मटन नहीं गल जाता तब तक। चलिए तकरीबन जब अच्छा ठंडा हो जाए तो इसे खोल लीजिए और चलिए ये बन गया हमारा कीमा। तो मैं अब सबसे पहले तो चूल्हा वापस चालू कर देती हूँ, नमक एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको कम लगे तो। अच्छा, अब मैंने हल्का एक उबाल आ जाने दिया ये फास्ट आंच पर। जब हल्का उबाल आ जाता है तो मैं कर देती हूँ स्लो आंच, और मुझे ये जो ग्रेवी है ना ये परफेक्ट लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर फर्ज करो आपकी एकदम ड्राई आउट हो जाती है तो इस समय पानी डाल दीजिए 1/4 या आधा कप जितना, एक बार फास्ट आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 5-6 मिनट पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल ऊपर नहीं छूट जाता। बट यहाँ मुझे परफेक्ट लग रही है तो मैं बस तेल स्लो पर छूटने की देर देख रही हूँ। उसमें मैं हरा धनिया भी बारीक काट कर डाल देती हूँ, 2-3 हरी मिर्चियाँ डालकर चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप पतीली में भी बना सकते हैं, हाँ प्रोसीजर वही रहेगा। पानी डाल देते हैं जब आप, तब सिर्फ ढक कर स्लो आंच पर पकने दीजिए 15-20 मिनट, या तब तक पकाएं जब तक मटन और मटर दोनों गल नहीं जाते। बीच में एक बार बेशक खोलकर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा 1/4 कप जितना पानी डालकर चलाकर इसे ढक कर पकने दीजिए दम पर जब तक मटर और मटन गल नहीं जाते। तो ये बन गया हमारा झटपट प्रेशर कुकर के अंदर कीमा मटर मसाला, बढ़िया है ना, मजेदार सा। चलिए मैं आपको चक्की भी बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, मस्त मजा आ जाएगा आपको। सहरी में बनाओगे मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना बढ़िया बना है माशाल्लाह। और मटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं और जो हमारा कीमा है वो भी बढ़िया सा चटपटा बना है। आप चाहें तो नींबू निचोड़ कर खाएं उसके साथ।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है आपने क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप बनाए तो। और हाँ, बस फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।